हेलो दोस्तों, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, कहीं ना कहीं हम मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोतों की चर्चा कर रहे थे और उसमें साहित्यिक स्रोतों की हम बात यहां करने वाले हैं। तो साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, है ना। उनमें हमने बात करी कि भारतीय और विदेशी जो स्रोत हैं उन सारी चीजों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं, चूंकि स्टार्ट जो है मध्यकालीन इतिहास वो अरबों की विजय के साथ होता है। जो पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जिनने अरब में कहीं ना कहीं अरब के निवासी थे और भारत को पहली जीत दिलाई थी अरबों की तरफ से, तो उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है इस समय में। ये है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में किसके द्वारा लिखी गई है? अबू रेहान अलबरूनी। अलबरूनी बहुत फेमस नाम है अपने आप में। अबू रेहान तो कई बार हम भूल भी जाते हैं, लेकिन ये सरनेम है अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनने जो बुक लिखी है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता है, आपको मैं बता दूं। तो ये जो व्यक्ति थे ये दार्शनिक व्यक्ति थे, और आपने नाम सुना होगा महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण करे थे, सोमनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था, बहुत ज्यादा उन्होंने वहां से धन संपदा अर्जित करी थी, लूटपाट करी थी, ठीक है। सो इनके साथ ये महोदय आते थे साथ ही साथ, और साथ में जो घूमा फिरा है भारत के समय का, तो वो पूरा यात्रा वृत्तांत आपको मिल जाता है। इन्हीं में कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी शुरुआत के साथ भी भारत में बताया है, मतलब कहीं ना कहीं अरबों के इतिहास से इन्होंने इस किताबुल हिंद में स्टार्टिंग करी हुई है। सो हमें मोहम्मद बिन कासिम वाली जानकारी भी यहां से मिलती है, कुछ कुछ, पूरी नहीं, कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना में राजनीतिक घटनाओं का कम उल्लेख है। क्या है भैया? कम उल्लेख है, और सांस्कृतिक इतिहास का बहुत ज्यादा उल्लेख है कि भाई वहां की जो मंदिर था वो कैसा था, या वहां पे क्या संस्कृति चल रही थी, कैसी बोली चल रही थी, वहां के पहनावे क्या थे, ये सारे कौन से तीज त्योहार मनाए जाते हैं, तो वो सांस्कृतिक के तौर पे इन्होंने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसका वर्णन इन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी से आप देख पा रहे हैं, ये अलबरूनी मैंने बनाए हुए हैं, मैंने नहीं, हमारे जो एडिटर महोदय हैं उन्होंने। साथ ही साथ ये जो है ये अरबी भाषा का ग्रंथ है, कहीं ना कहीं तो अरबी लिखी है, मुझे पढ़ना नहीं आती है, उनके हिसाब से उनको पढ़ना आती है, और यही लिखा है जो किताबुल हिंद है वो यहाँ कहीं लिखा है अरबी भाषा में, ठीक है। सो ये बुक है अलबरूनी, जिसमें माफी चाहूंगा किताबुल हिंद, जिसमें क्या है सारा का सारा हमें उस समय का, गजनी के समय का ब्रॉड रूप से ये पूरा जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक बुक है फतेहनामा। क्या नाम है? फतेहनामा, और बहुत चर्चित नाम इसका है चचनामा। चचनामा इसमें सारी की सारी सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है। सिंध का इतिहास मतलब यहाँ वो पूरी की पूरी जानकारी अरबों के आक्रमण से लेके सारी जानकारी दाहिर की या फिर मोहम्मद बिन कासिम की, उस समय की जो घटनाएं हुई हैं वो पूरी की पूरी फतेहनामा या चचनामा में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो बहुत प्रसिद्ध है और ये डायरेक्ट पूछी जाने वाली चीज है, ये महोदय हैं, ये पंडित जी हैं, और संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं राज तरंगणी के नाम से मशहूर है, जिसमें कश्मीर का पूरा वर्णन है, मनोहारी वर्णन भी है, राजनीतिक वर्णन भी है, कहीं ना कहीं कलहण के द्वारा लिखे थे इस ग्रंथ का की रचना कलहण ने की थी, और कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश पड़ता। कलहण ने इस बुक के बारे में अगर बात करें तो कलहण की इस बुक का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, क्योंकि उस समय का जो माहौल चल रहा है कहाँ का, कश्मीर का, तो वो सारी जानकारी, और ये संस्कृत साहित्य में एकमात्र उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? राजतरंगिणी। किसने लिखा हुआ है? कलहण ने लिखा हुआ, काय में संस्कृत में है, किसके बारे में जानकारी है? कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है भाई। और अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ताजुल मासिर की। ताजुल मासिर आप देख पा रहे हैं ये बुक है, और ये उनके रचयिता हैं, ठीक है। सो अगर बात करें तो ये महोदय जो है वो है हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी इनका नाम है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था। क्या था भैया? पहला सरकारी इतिहासकार था। और इसका मतलब जो ताजुल मासिर जो बुक का नाम है उसका जो मतलब होता है, उसका मतलब है शिखर वीरताकार। क्या है? शिखर वीरताकार। ईश्वरी प्रसाद ये जो
इतिहासकार हैं, इन्होंने इस ग्रंथ की समीक्षा करते हुए क्या लिखा है कि उनकी शैली, उसकी शैली मतलब इनकी, निजामी की शैली की बात चल रही है, निजामी की शैली गूढ़ एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब इन्होंने क्या है, छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बताया है, ठीक है। सो अतिशयोक्तिपूर्ण है, उसमें हमें अनेक दुसाध्य और निरर्थक किसी मतलब की नहीं अतिशयोक्तियों का वर्णन मिलता है। हसन निजामी ने इतिहास की धार्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए, याद रखिएगा हसन निजामी ने जो भी इतिहास है उसको धार्मिक रूप से रिलेट करने की कोशिश करी हुई है, धर्म के साथ जोड़ दिया। अब धर्म के साथ किसी चीज को जोड़ोगे तो माहौल धार्मिक अधार्मिक दोनों बन सकता है। तो इनके आधार पर प्रत्येक मुसलमान शासक का क्या कर्तव्य है कि वह गैर मुसलमान यानी कहलाते काफिर, ठीक है। सो काफिरों के विरुद्ध क्या करना है, जिहाद करना है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो अब लिखा इनने है, क्योंकि इनने हर इतिहास को किस माध्यम से जोड़ दिया, धर्म के रूप में जोड़ दिया। अब हिंदू कंट्री हुआ करती थी पहले क्या भारत, और इस्लाम आए, इस्लाम के ये भी तो इस्लाम को मानने वाले, तो इन्होंने उस चीज को धर्म से जोड़ दिया। और धर्म से जोड़ दिया, इनका ये कहना था कि भैया हम इस्लामिक लोग हैं, तो जो हिंदू लोग हैं वो गैर इस्लामिक लोग हैं, वो कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, अरे भैया कैसे हैं, काफिर कहलाते हैं, गैर इस्लामिक लोग कोई भी हो चाहे, तो वो क्या कहलाएंगे, काफिर। और काफिरों को क्या करना है, हमें धर्म युद्ध करना है उनके साथ, जिसको बोला जाता है जिहाद, ठीक है। सो जिहाद करने के बारे में इन्होंने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लिखी हुई है। तो ताजुल मासिर, हालांकि इसमें अतिशयोक्तियों का ज्यादा उल्लेख मिल जाता है, बड़ा चढ़ा के चीजों को बताया गया है, तो है ये प्रभावी ग्रंथ, मतलब बोल सकते हैं कि उस समय की जानकारी मिलती है, लेकिन उतना प्रोस्पेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखा हुआ है, वो भी धार्मिक स्वरूप है ना। इतिहास को कभी भी धार्मिक स्वरूप से नहीं जोड़ना होता है, कभी भी नहीं जोड़ना होता, क्योंकि उस समय की क्या परिस्थिति है, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। भाई इतिहासकार का काम क्या है, वो पर्टिकुलर अगर एक साइड झुक जाएगा तो समस्या है, इतिहासकार को दोनों पक्षों के बारे में बात करनी चाहिए, कोई भी इतिहासकार, ठीक है। तो ठीक है, ये ताजुल मासिर याद रखना है, हजर निजामी की बुक है, और ये पहले सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे, ठीक है भाई। चले तबकात-ए-नासरी जो है, ये बुक आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिन्हाज सिराज की बुक है, इन्होंने तबकाते जो नासरी लिखी है, उसके पीछे इनका मूल उद्देश्य जो था, संपूर्ण इस्लामिक विश्व का बृहद इतिहास प्रस्तुत करना। देखिए इस्लामिक इतिहास जो है वो इस्लाम के साथ स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे इस्लाम ने क्या करा भाई, पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की बात करें, अरब प्रायद्वीप की बात करें, दक्षिण यूरोप की बात करें, एशिया मध्य एशिया की बात करें, तो इन सारी जगहों पर जैसे ही जैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो इनने उसके बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ, क्या पूर्ण इस्लामिक विश्व का पूरा इतिहास प्रस्तुत किया है, जिसको इनने शुरुआत जो करी है वो कहां से करी है, आदम से स्टार्ट करते हुए 1259 ईस्वी तक का इतिहास इसमें बताया हुआ है, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करके 1259 ईस्वी तक के इतिहास की इन्होंने पूरी जानकारी दी है। अब ये जो एक ही निजामी साहब है, ये इतिहासकार है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक, उनने एक बुक लिखी हुई ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया, ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया में, मतलब सारे हिस्टोरियंस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, इनने मत जो व्यक्त किया है कि मिन्हाज सिराज को तबकात-ए-नासरी इनकी बुक है, लिखने की प्रेरणा एक समकालिक ग्रंथ, एक और उसी समय का कोई ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख-ए-मज़दूल, इससे इनको ये प्रेरणा मिलती है इस ग्रंथ से लिख, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तबकात-ए-नासरी में लिखा है कि मिन्हाज ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की है। याद रखें पिछली बार हम जो बता रहे हैं उन्होंने धार्मिक व्याख्या की है, इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने अध्यात्म के साथ उसको जोड़ा, धर्म और अध्यात्म दोनों अलग चीज है, ठीक है। सो आध्यात्मिक व्याख्या की है, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्या ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्या इतिहास, ठीक है। तो इतिहास जो ईश्वर चाहता है उस हिसाब से ही होता है, मतलब यानी इतिहास की घटनाएं ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर घटित होती हैं, अतः इतिहास प्रगतिशील व मानवीय नहीं है, ना इतिहास मानव के द्वारा चल रहा है या मानव के द्वारा बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया जा रहा है। तो मिन्हाज ने इतिहास को संकुचित दृष्टिकोण से ग्रहण किया है, और उनके अनुसार इतिहास का तात्पर्य घटनाओं का यथावत, मतलब जैसी घटनाएं होती जा रही हैं उसके हिसाब से
प्रस्तुत कर देना है उन घटनाओं को, जैसा कहा तैसा बिल्कुल प्रस्तुत कर देने की बात करी हुई है। और इसलिए उसने अरब इतिहास लेखन की इस नड प्रणाली का अपनी पुस्तक में कोई प्रयोग ही नहीं किया। इसके साथ साथ ही मिन्हाज इतिहासकार के कारण संबंध, कारण कारण संबंध की खोज भी नहीं करता। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो मिन्हाज हैं ये इतिहास जैसा चल रहा है उस हिसाब से लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि ये होने के पीछे का कारण क्या है। ठीक है, सो करण कारण जो संबंध बनता है इतिहास के पीछे, उस चीज पे इन्होंने फोकस नहीं किया है, अध्यात्म से जोड़ा है, ईश्वर की शक्ति के रूप में ईश्वर के हिसाब से चलने वाली चीज को बताया है इन्होंने इतिहास को। ठीक है भाई, तबकाते नासरी, कोई दिक्कत? मिन्हाज, तारीख़े फिरोज शाही, तारीख़े फिरोज शाही की हम बात करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये एक वीडियो ही मैं पूरी की पूरी आपको बना के दे दूंगा। तारीख़े फिरोज शाही नहीं, ये जो हमारे राइटर महोदय हैं बरनी साहब, ठीक है, सो बरनी साहब की बहुत सारी रचनाएं हैं, क्या कैसा है सारा, उसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।